इंडिया में बहुत तरक्की हुई है, क्या आपको लगता है कि ये बात सही है कि वो क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को जाता है या नहीं? इंडिया ने शुरू से ना अपने आप को अमेरिकन वगैरह के लेवल पे रखा था, ताकि दिल से दुआ है हमारी कि यार अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। कि ये बंदा इसके बिल्कुल मुतबादल है, ये चोर है, अपने मुल्क में इतनी करप्शन करके ये भाग गया हुआ, दफा हो गया यहाँ से। हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। अब देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ स्वीकार कर चुके हैं कि उनका मुल्क दिवालिया हो चुका है और पाकिस्तान की इस हालत के लिए लोग शहबाज सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान में चारों ओर अभी शहबाज सरकार की आलोचना हो रही है, तो दूसरी ओर वहां के लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि भारत अपना हाथ आगे बढ़ाए। दोस्तों, वहां के लोग यह कह रहे हैं कि अल्लाह पीएम मोदी को उनके देश भेज दो, ताकि वे उन लोगों को संकट से निजात दिला सकें। इंडिया में बहुत तरक्की हुई है, क्या आपको लगता है कि ये बात सही है कि वो क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को जाता है या नहीं? ऑफ कोर्स जाता है, अगर प्राइम मिनिस्टर अच्छा है तो ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, उनका एजुकेशन सिस्टम ब्रॉड हो रहा है, वहाँ की चीज़ें आप खुद देखें कि वहाँ की जो लोग हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, उनकी प्राइम मिनिस्टर की वजह क्या है वो। अगर प्राइम मिनिस्टर उनका ऐसा होगा लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लें, वो उनके मुताबिक हमारी हुकूमत चल रही है। समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता, आज आपको टमाटर 20 रुपए किलो मिलते, चिकन 150 रुपए किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपए लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला, तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ सिंसियर है। मोदी, हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। मोदी जी अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? मोदी जी हर काम कर रहे हैं, उनको जो काम नजर आता वो करते हैं। इंडिया में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं है जो सा ना किया हो, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे उन्होंने लोगों की हेल्प भी की है, घर भी बनाए हैं, वहाँ के रोड भी बनाए हैं, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है वहाँ पे उनका, और मैं इनसे सेटिस्फाई हूँ। वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान, जब रात को आप अपने बच्चों की रोटी पूरी नहीं ना कर सकेंगे, आप कहेंगे हम कौन से मुल्क में पैदा हो गए हैं, देगा वो। अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को, पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है, वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं, इस चीज को मानना चाहिए। इंडियंस तो इंडियंस जो है वो बहुत अच्छे उहदों पर फाइज हैं दूसरे ममालिक में, उनको बहुत अच्छा जो है ना प्रमोट किया जाता है, इसकी क्या वजह है? उनके अंदर रिलीजन फोबिया नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा है, ऐसी क्या रीजंस हैं? इंडिया ने शुरू से ना अपने आप को अमेरिकन वगैरह के लेवल पे रखा था, ताकि उनके हिसाब से काम करते थे, अपने हिसाब से नहीं देखते। पाकिस्तानी करते हैं सबकी कॉपी, वो कॉपी पूरा कॉपी भी ठीक से नहीं कर पाते, कॉपी नंबर 1 कभी आ नहीं सकती, वो बनना चाहते हैं रेप्लिका बन जाते हैं, लेकिन वो कोई फायदा नहीं।